पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आए चार वाहन, एक की मौत, छह घायल। चंबा किलाड़ मार्ग पर सच दरे के समीप पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आए से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस बोलेरो समेत चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रविवार दोपहर 2 बजे हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। जल शक्ति विभाग में 1 सप्ताह में शुरू होगी पैरा वर्करों की भर्ती। प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग में 3,970 पैरा वर्करों की भर्ती करेगी। भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगी। पैरा वर्करों के लिए अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 10 अंकों के आधार पर बनेगी। 2 अंक तकनीकी अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए रखे गए हैं, इसे भी मेरिट बनाते समय शामिल किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास रखी गई है। पैरा पंप ऑपरेटरों और फिटरों को 5,500 और पैरा वर्करों को 3,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सीयू के शोध में खुलासा, जमीन का उपचार करेंगे गेंदा, सहजन, मदार जैसे औषधीय पौधे। अब जमीन में मिलने वाली आर्सेनिक, निकल जैसी भारी धातुओं को गेंदा, सहजन, जेरियम, मदार जैसे सुगंधित या अन्य औषधीय पौधे साफ करेंगे। ये पौधे एक तरफ से जमीन का उपचार करने में सहयोग करेंगे। ये खुलासा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के शोध में हुआ है। सीयू के विशेषज्ञों ने जमीन का उपचार करने वाले कई औषधीय पौधे चिन्हित किए हैं। ये शोध एक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका इंडस्ट्रियल क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स में प्रकाशित हुआ है। गरसा घाटी में अज्ञात लोगों ने की 60 वर्षीय महिला की पीट पीट कर हत्या। कुल्लू जिला की गरसा घाटी में बुजुर्ग महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय शकुंतला देवी अकेली रहती थी और रविवार रात बुजुर्ग महिला को अज्ञात व्यक्तियों ने बहरेमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, जहां पर छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने मंडी से एफएसएल की टीम को बुलाया है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि महिला को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जिससे महिला के सिर पर गहरी चोट के निशान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले में जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।